पेपर लीक करने वाले हर राज्य में पेपर लीक हो गए, आर्मी में हो गया, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हो गया, सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं देश के अंदर। हमने कानून पार किया है, आजीवन कारोबार की सजा मिलेगी और 200 लोगों को जेल भेज दिया। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में भी 11 बार पेपर लीक हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कार्रवाई करी है, जो जेलों भेजे हैं, क्योंकि नौजवान साथी जो है निराश हो जाते हैं, साहब इतनी मेहनत करी और पेपर लीक हो गया। क्योंकि मेट्रो 2009 के अंदर जब हमने शुरुआत करी थी और 13 में उसका ट्रायल हो गया था, रिकॉर्ड टाइम पे बनना नंबर एक, पहल करने राजस्थान को, उस पर बड़े बड़े शहरों में देश के, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, बड़े बड़े शहरों के अंदर भी मेट्रो का काम प्रारंभ नहीं हुआ था। दिल्ली मेट्रो के जो मेट्रोमैन थे ई श्रीधरन, उनका एक चार लाइन का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कोटा के अंदर कि जयपुर में मेट्रो संभव है। मैंने दारीवाली को कहा, उनसे मिले, उनको बुलाया, दिल्ली मेट्रो को काम दे दिया हम लोगों ने। ये भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का उपक्रम था, रिकॉर्ड टाइम में जयपुर मेट्रो बनी। अंडरग्राउंड का काम भी हम लोगों ने शिलान्यास करवा दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री बुला कर। अब मुझे कहते गर्व है कि जिस रूप में काम पूरा हुआ है, आज उसका पार्ट सी परियोजना भी आगे बढ़ी है, एक और मेट्रो अजमेर रोड तक जुड़ने का काम बाकी अभी है, सेंक्शन हो गया है, बजट घोषणा हो गई है, वो काम भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी शुरू होगा। पर सपना हमारा है कि किस प्रकार से हम मेट्रो को सीतापुरा से अंबाबाड़ी सेकंड फेज बने 22 किलोमीटर का। सपना ये भी है जो 2030 का जो विजन रखा हम लोगों ने, उसके माने ये है कि हम सब जो है प्रदेशवासी सोचें कि हमारे दिल के अंदर क्या है, हम क्या सोचते हैं हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे विषय के लिए, जिस विषय से आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कोई वर्ग का व्यक्ति है, छात्र है, नौजवान है, किसान है, वो क्या सोचता है कि मुझे, मेरी कल्पना ये है कि राजस्थान में 2030 तक राजस्थान यहाँ तक पहुँचना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, उसकी क्या कल्पना आपके पास में, आर्थिक विकास दर में हमें गर्व है कि आज राजस्थान उत्तर भारत में नंबर वन राज्य बन गया, देश का नंबर वन राज्य बन गया। आर्थिक विकास दर हमारी जो है, अगर बड़े राज्यों को देखें हम लोग, देश के नंबर दो पे हम लोग हैं, नंबर वन आंध्र प्रदेश 11.4% आर्थिक विकास दर, और अगर हम देखें उत्तर भारतीय राज्यों में, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब, हरियाणा, जो भी हो, उत्तर भारत के राज्यों में नंबर वन है पर 11.04%। जीडीपी के अंदर हम लोग जो है इस साल के वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 लाख करोड़ की जीडीपी पहुंच जाएंगे हम लोग। हमने कल्पना की है 2030 तक 30 लाख करोड़ की जीडीपी का विस्तार होना चाहिए, जिससे कि हम लोग चौमुखी विकास करने में सक्षम हो सके। कहने का मतलब यह है, राजस्थान पहली बार आज़ादी के बाद में, पहली बार राजस्थान के बाहर, दिल्ली के अंदर भी, केंद्र सरकार में भी, राज्यों के अंदर भी, अन्य राज्यों में और राज्य सरकारों के अंदर भी चर्चा में कोई राज्य है देश के अंदर, वो राजस्थान राज्य है। पेपर लीक करने वाले हर राज्य में पेपर लीक हो गए, आर्मी में हो गया, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हो गया, सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं देश के अंदर। हमने कानून पार किया है,
आजीवन कारोबार की सजा मिलेगी और 200 लोगों को जेल भेज दिया। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में भी 11 बार पेपर लीक हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कार्रवाइयाँ करी है, जो जेलों भेजे हैं, क्योंकि नौजवान साथी जो है निराश हो जाते हैं, साहब इतनी मेहनत करी और पेपर लीक हो गया।